आपको बता रहे, चुनाव आयोग से मांग की है बीजेपी ने, तारीख बदलने की ये मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, पार्टियां टिकट आवंटन को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जानकारी के अनुसार हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गुहार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि 1 तारीख को मतदान का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग फीसद में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि 28 तारीख को शनिवार है, 29 तारीख को रविवार है, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है, 6 दिन का लंबा वीकेंड, ऐसे में लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, मतदान कम होगा, धार्मिक अनुष्ठान का असर वोटिंग पर पड़ेगा, ये भी बडोली की तरफ से कहा गया है। तो चुनाव आयोग की भी प्राथमिकता 100% मतदान हो, ऐसे में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और जो तारीख है आगे बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने, और कहा है कि छुट्टी के वजह से काफी लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए हम देश की बात करते हैं, जिस दिन वोटिंग है वो 1 तारीख है यानी ट्यूजडे है, तो अगर इंसान लॉन्ग वीकेंड लेता है, क्योंकि 2 तारीख को गांधी जयंती है, उसके बाद 3 तारीख को शरद नवरात्रि भी है, जिसकी वजह से लोग एक दो छुट्टी करके मैनेज कर लॉन्ग वीकेंड पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से वोटिंग पर असर हो सकता है। इसका हवाला देते हुए साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है, इसका भी इफेक्ट वोटिंग पर पड़ेगा, और साथ ही यह भी कहा कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट होगी, और इस गिरावट को देखते हुए चुनाव आयोग की ये प्राथमिकता होती है कि सभी मतदान करने के लिए आए, 100% वोटिंग वहां पर हो, ये भी देखना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, इसको देखते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो डेट है उसे बदला जाए यानी आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, अपराजिता, मोहनलाल बडोली ने चिट्ठी लिखी है, क्या इसमें और भी कोई सहमति मिली इस चिट्ठी को लेकर या तारीख बदलवाने को लेकर, क्या डिस्कस किया गया हो इससे पहले इसी तरह की कोई जानकारी? देखिए अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, बट यही जानकारी है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अब आगे क्या कुछ रिप्लाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा आता है या और क्या चीजें होती है, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बस मोहनलाल बडोली ने अभी चिट्ठी लिखी है, ये मांग की गई है उनके द्वारा कि छुट्टी की वजह से वोटिंग की जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आ सकता है, जिससे बहुत जो राइट होती है, वोटिंग राइट होती है हर इंसान की, वोट करने की जिम्मेदारी होती है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि सभी 100% वोटिंग हो, इसको लेते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आगे का जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए, लेकिन अगर हम देखें तो अभी लगातार आप भी शुरुआत से कवर कर रही हैं, बीजेपी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है, वोटिंग 1 अक्टूबर को होना है, 4 अक्टूबर को परिणाम सामने आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हैं, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो वहां पे कई चरणों में मतदान हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो आखिरी चरण है उसमें अभी साथ में हरियाणा में वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में तो ये सारी चीजें प्रभावित होंगी, तो इसे लेकर क्या कोई बातचीत की है, मोहनलाल बडोली ने कुछ कहा इस पर? देखिए अभी हालांकि इस पर कोई रिएक्शन उनके तरफ से नहीं आया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, बस ये चिट्ठी दी गई है। और बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, डेटों की अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी तरीके से कोई भी जो डेट हुआ है, चाहे वो फेजेस की लेकर के हो या फिर काउंटिंग को लेकर के हो, वो वीकडेज में किया जा रहा है, तो किसी को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, इसलिए उनका कहा गया था, इलेक्शन कमीशन ने ध्यान रखा था। अब क्योंकि देखिए लंबे समय में हो रहा है, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो 3 फेज में हो रहा है, 1 दिन काउंटिंग हो रही है, तो बिल्कुल किसी ना किसी दिन तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ही कि वीकेंड के आसपास दिन पड़े, तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी खुद की वोटर की भी जिम्मेदारी हो जाती है इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कि वो वोट देने के लिए पहुंचे, तो बिल्कुल मुश्किल है कि डेट चेंज किया जाए। हालांकि बिल्कुल मोहनलाल बडोली के द्वारा तो लेटर लिखा गया है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रिप्लाई आता है, साथ ही बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हरियाणा न्यूज कोशिश करेगी कि उनसे बातचीत की जाए, मोहनलाल बडोली से बातचीत की जाए, और संक्षिप्त में हम जान पाए कि क्या और चीजें हैं इस जो उन्होंने लेटर लिखा है और क्या चीजें हैं इसके पीछे।
जी ठीक है, अपराजिता अपडेट आप से लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, एक तरह से देखिए चुनाव आयोग भी चाहता है कि 100% मतदान हो, ये मोहनलाल बडोली कह रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग की को, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान है, बीच में छुट्टियां काफी पड़ रही है, तो ऐसे में लोग मतदान करने नहीं पहुंचेंगे, लंबी छुट्टियों पर वो वीकेंड मनाने चले जाएंगे। तो ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, मांग तो पहले भी अलग अलग राज्यों में की गई है तारीखों को लेकर, तो क्या कुछ इसके पीछे हो सकता है कारण? देखिए राजश्री, सबसे महत्वपूर्ण है कि यह एक बड़ा बयान है और खासतौर पर एक बड़ी अपील जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से की गई है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से देखिए चुनाव आयोग चाहता है, लगातार इस तरह की कोशिशें उनकी रहती है, वे बड़े कार्यक्रम चलाते हैं, देश भर में चलाते हैं कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है वो 100% आए, लेकिन ऐसी कोशिशें रहने के बावजूद भी मतदान काफी कम रह जाता है कई इलाकों में, वो चिंता की बात रहती है, हमेशा से इस बात को लेकर मंथन किया जाता है। अब क्योंकि मोहनलाल बडोली देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी संभालने वाले बड़े नेता की ओर से अगर अपील की जा रही है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई बड़ी बात होगी, वजन होगा, और काफी देखिए जैसे आपने बताया कि कई कार्यक्रम है, विश्नोई समाज का भी कार्यक्रम है, कई छुट्टियां एक लंबे एक पूरे वीकेंड के हिसाब से पूरी छुट्टियां आ रही है, तो इसको लेकर उनकी एक चिंता जायज है। और ऐसा नहीं है कि पहले तारीखें बदली नहीं गई है, चुनाव के तारीखें भी बदली गई हैं त्योहारों को देखते हुए, स्थानीय त्योहारों को देखते हुए, पर्वों को देखते हुए, और इसके अलावा देखिए काउंटिंग की तारीख भी बदली गई है। जब पिछले जब नवंबर में जब चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी मिजोरम में भी एक दिन लेट जो है वो काउंटिंग हुई थी, क्योंकि वो स्थानीय त्योहार वहां था और मिजोरम का चुनाव परिणाम एक दिन लेट आया था। तो ऐसे में देखिए संभव है, और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, तीसरे चरण में जब जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा तो एक ही चरण में हरियाणा का चुनाव जो है 90 सीटों का 1 अक्टूबर को होना है। तो ऐसे में एक अपील, एक गुहार, एक याचिका अगर कहा जाए, एक उन्होंने मांगी है, प्रार्थना रखी है कि इस तरह से त्योहार है और इसको लेकर वोटिंग प्रतिशत को लेकर उन्होंने चिंता जताई है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी इस बारे में मंथन करेगा और उसके बाद क्या निर्णय लेता है ये चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन एक टेक्निकल इशू की एक बात और भी कही गई है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है और मुख्यमंत्री कोई ऐलान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का सत्र बुलाया जाना जरूरी है, ये एक तकनीकी व्यवस्था है। देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, चुनाव आयोग इस बारे में क्या निर्णय लेता है, और विधानसभा का सत्र क्या बुलाया जा जाएगा या नहीं जाएगा, इस बारे में भी अगले कुछ घंटों में या कल तक जो है वो निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल, और रिएक्शन भी इस पर मिलेंगे। तो बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें तो उनका क्या कुछ रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो काफी अहम हो जाता है, कई बार जब परिणाम जब आने वाले होते हैं तो हम वोटिंग परसेंटेज पर भी एक बार नजर डालते हैं कि उसका क्या गणित बैठ सकता है। और दूसरी बात ये है अमित जी, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र उन्होंने किया है, माफ कीजिएगा, बिश्नोई समाज का जिक्र उन्होंने किया है। अब कुलदीप बिश्नोई एक बड़े नेता है, एक तरह से देखा जाए अगर बिश्नोई समाज का ही अनुष्ठान होगा तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से मैंने जैसा पहले कहा राष्ट्रीय की कोई भी स्थानीय पर्व होता है, किसी एक समुदाय विशेष का होता है और उनकी संख्या बहुतायत में है, चाहे वो जैन धर्म की बात करें, विश्नोई समाज की बात करें, हिंदू समाज के दूसरे वर्गों की बात करें, कोई सिख धर्म के कोई बड़े अनुष्ठान की बड़े कार्यक्रम की बात करें, तो ऐसे आयोजनों को लेकर कई बार चुनाव आयोग ऐसे निर्णय लेता है जिनको स्थानीय मजबूरियां होती है, कई लोग जो चुनाव में नहीं आ पाएंगे, बड़ा अनुष्ठान आता है तो उसके चलते जो लोग उन अनुष्ठानों में चले जाते हैं और चुनाव जो है वो मतदान के लिए नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में चुनाव आयोग बार बार इस बात को कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और 100% मतदान होना चाहिए, उनकी कोशिश चलती है, उनके कार्यक्रम चलते हैं, और ऐसे में कोई अगर अपील की गई है तो निश्चित रूप से वो अपील पर मंथन करेगा और उस पर क्या निर्णय लेगा ये चुनाव आयोग की तीनों जो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो इस बारे में मंथन करके निर्णय लेंगे। अब वो निर्णय कब तक लेते हैं और क्या व्यवस्था देते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें वे चाहेंगे कि चुनाव उसी दौरान हो, और क्योंकि वो एक अलग ही उत्साह से लबरेज यहाँ विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस दिखाई देती है, तो वो इस मांग का विरोध भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाजपा की जो चिंता है उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रख दी है। अब निर्णय चुनाव आयोग ने लेना है, वो क्या इस बारे में सोचता है, वो विश्नोई समाज के अनुष्ठान को आयोजन को किस रूप में देखता है और उन्हें कितना जो है वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर दिखाई देता है, वो इनके मंथन का विषय है, उसके बाद निर्णय होगा। जी राजश्री।
बिल्कुल, अगर हम इसकी प्रक्रिया देखें तो प्रक्रिया क्या कुछ हो सकती है चुनाव तारीख बदलने की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो 68% तक मतदान हुआ था। अभी पिछले दिनों जब तारीखों का ऐलान हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें यह कहा जा रहा था कि इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश होगी, 27 तारीख तक पूरी जो वोटर लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। तो चिंता जायज है, लेकिन बाकी पार्टियों का रिएक्शन भी यहां पर मैटर करता है कहीं ना कहीं। अमित जी, निश्चित रूप से राजश्री, देखिए चुनाव आयोग की लगातार कोशिशें रहती हैं, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या स्थानीय जो राज्यों की विधानसभा की बात हो, उनकी कोशिश रहती है मतदान प्रतिशत बढ़े। लेकिन देखिए घटता मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से चिंताजनक बात रहती है, और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार सुधार कर रहा है, चाहे वो पिंक बूथ बनाने की बात हो, महिलाओं को फैसिलिटी देने वाली की बात हो, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो, वृद्धों के लिए हरियाणा में वृद्धों की संख्या जो 80 से प्लस जो वृद्ध होंगे उनके लिए घर पर जाकर मतदान करने की बात है, तो 2 लाख से ज्यादा तो वही मतदाता है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं सुविधाएं देने में चुनाव आयोग कमी नहीं छोड़ता, लेकिन जब कोई बात आती है, कोई एक बड़ा अनुष्ठान की बात आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी गई, हालांकि देखिए मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि कांग्रेस इस बात को जो है उस पर उसको भी मौका मिलेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। वो इस चुनाव आयोग की जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है उसको लेकर वो सवाल जरूर उठाएगी भाजपा पर भी, क्योंकि वो तारीख क्यों बदलाना चाहते हैं। और इधर से देखिए भाजपा का की एक कोशिश रही होगी निश्चित रूप से, और तमाम बातों को देखकर ही उन्होंने अपनी अपील जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखी होगी। और ऐसा नहीं है, जब मैंने पहले कहा कि राज्यों में कई बार जो विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है उसमें बदलाव किया जा सकता है, वो स्थानीय परिस्थितियों को देखकर ऐसा कई बार निर्णय लेना पड़ता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ही देखिए, लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, तो वहां की वो स्थानीय परिस्थितियां कुछ अलग तरह की रही है, कुछ अलग तरह का माहौल है। अब केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, उसमें चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो कई तरह की व्यवस्थाएं रहती है। जैसे मैंने मिजोरम का भी उदाहरण दिया, वहां मतगणना एक साथ होनी थी, राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ मिजोरम की भी काउंटिंग होनी थी, लेकिन वहां एक स्थानीय जो त्योहार आता है ईसाई धर्म का, उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग ने मतगणना की तारीख को अगले दिन कर दिया। तो ऐसा संभव है, लेकिन यह चुनाव आयोग के विवेक पर, उनकी अपनी एक जो पूरी वो फीडबैक लेते हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रयास चुनाव आयोग का है कि वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उनकी कोशिश रहती है, और इस कोशिश के चलते अगर कोई फैसला बदलना भी पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए। विधु जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बडौली, मोहनलाल बडौली की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है चुनाव की तारीख बदलने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? क्या डर वोटिंग परसेंटेज कम होने का ही है? राजश्री जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में अधिक से अधिक लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो भागीदारी रखें जी, और उस नाते से हर वो प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी इस प्रकार के प्रयास करता रहा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने ये तय किया कि भाई वीकेंड्स पे कभी भी जो है वोटिंग ना करवाकर बीच के हफ्ते के बीच का कोई दिन जो है, यानी मंगलवार बुधवार वीरवार का दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन जो है रखा जाए। इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जा पाए कि वो मतदान केंद्र पर जाकर अपना महत्वपूर्ण मत जो है वो ईवीएम के अंदर दर्ज करवाएं। ये देश के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है, और उसी को देखते हुए जागरूक पार्टी के एक जागरूक प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल बड़ोली जी, उन्होंने ये पत्र लिखा है कि वोटिंग परसेंट जो है बढ़े, जिससे हमारा वोट प्रभावित ना हो, लोगों के पास अधिक से अधिक अवसर हो वोट डालकर आने का। हो सकता है कई बार कुछ लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाया करते हैं, जैसा हम जानते ही हैं कि 29 तारीख को शनिवार है, अगले दिन रविवार है, और उसके बाद जो है बीच में एक दिन छोड़कर फिर 1 तारीख को वोटिंग होगी, वोटिंग पर छुट्टी होती ही है। 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के रूप में पूरा देश मनाता है, और 3 तारीख को क्योंकि अग्रसेन जयंती है, इस नाते से हो सकता है कुछ लोग जो है लॉन्ग वीकेंड सोचकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी विदु जी, एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि तारीख बदलने को लेकर चिट्ठी तो लिख दी गई है, क्या बाकी पार्टियों से भी इसे लेकर बातचीत की गई है? क्योंकि बाकी पार्टी भी तो शायद चाहेंगे ही कि 100% मतदान हो। देखिए बाकी पार्टियों, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत जो है, अपना अपनी प्रार्थना जो है वो चुनाव आयोग को सबमिट की है। बाकी पार्टियां इस बारे में क्या कहती हैं ये उनके प्रवक्ता बता पाएंगे बेहतर। हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है ये
चुनाव की डेट को निश्चित करना और उसमें बदलाव करने का भी उनके पास ही विशेष अधिकार है। तो हम तो उन तक जो है जनता की जो बात है वो पहुंचा सकते हैं। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने अपनी बात जो है चुनाव आयोग तक रखी है। चुनाव आयोग जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है ही। ठीक है अमित जी, अभी सत्र को लेकर भी जिक्र कर रहे थे कि एक टाइम ड्यूरेशन जो है तय है उससे पहले सत्र होना जरूरी है, अगर हम तारीख बदलते हैं या तारीख आगे बढ़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। हरियाणा के मामले में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो हमने चुनाव जो है जो तय तारीखें हैं, जो मतलब अगर पिछली दो बार की बात करें तो 15 अक्टूबर 2014 को मतदान हुआ था हरियाणा में, पूरा एक ही फेज में हुआ था। अगली बार जो है 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुआ था, तो उस नाते से देखें तो 20-21 दिन पहले ही चुनाव हुआ है। हर कीमत पर 2 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग को एक जो है सरकार बनाकर देने, या यूं कहूं कि एक विधानसभा बनाकर देने जिनके विधायक जो है अपनी सरकार बनाएंगे, तो वो अभी उसमें तो लगभग 1 महीना 1 दिन पहले मतदान हो ही रहा है। तो अगर उसमें 2-4 दिन आगे पीछे होते हैं तो हरियाणा के मामले में तो कोई उसमें प्रभाव नहीं डालेगा। बिल्कुल, क्या अमित जी इससे कोई प्रभाव पड़ेगा अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो? अमित जी, राष्ट्रीय जैसा कि अभी प्रोफेसर विधु रावल भी बता रहे थे कि 3 नवंबर तक जो है वो नई विधानसभा बननी चाहिए, और पहले की बजाय अगर आप पिछले लगातार चुनावों को देखें, चाहे वो 2009 से लेकर अब तक के चुनाव देखें, तो करीब 20-25 दिन पहले जो है वो चुनाव हो रहे हैं। कभी 19 अक्टूबर को हुआ, कभी 25-22 को भी हुआ, तो ऐसे में कई तारीखें ऐसी रही। तो ऐसे में 20 दिन का जो गैप है उसमें अगर 5-7 दिन का अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती, लेकिन ये चुनाव आयोग की अपनी विवेक है, अपनी व्यवस्था है और अपनी फीडबैक है, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। हालांकि ये एक निश्चित रूप से एक चुनाव आयोग की तरफ से क्या व्यवस्था बनी, उन्होंने जो एक तारीख रखी और उसको उन्होंने वीकेंड और दूसरी तमाम बातें, शायद उन्होंने इस बात को नहीं देखा होगा या कोई और उन्होंने अपने तर्क रखे होंगे, दूसरे भी आयुक्त हैं तो उनकी तरफ से क्या आया जानकारी। लेकिन यह जरूर है कि विधानसभा की तारीख अगर 5 या 10 दिन आगे बढ़ भी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यह हो सकता है कि कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल इस बारे में सवाल जरूर उठा सकते हैं, उन्हें मौका मिल जाएगा कि तारीख क्यों बदली गई है। हालांकि अगर जो लोगों की व्यवस्था और त्योहारों की पर्वों को देखते हुए अगर तारीख आगे भी बढ़ा दी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि हरियाणा विधानसभा का भी एक 6 महीने के दौरान जो एक बैठक होना एक नियमानुसार होनी चाहिए, वो भी बैठक होनी है, उसको लेकर प्रोफेसर विधु रावल क्या सोचते होंगे, क्या भाजपा सोचती होगी, वो उनका अपना एक निर्णय है। विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाना 6 महीने में अनिवार्य होता है, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि कोई व्यवस्था हो, लेकिन यह है कि तारीखों के लिए अपील की गई है। अब अपील को क्या स्वीकार चुनाव आयोग करता है और तारीख में बढ़ोतरी का ऐलान करता है, यह देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इस पर नजर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है वो भी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन इस पर रहता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उसके बाद हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं और 4 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। तो अब चुनाव आयोग से हरियाणा बीजेपी ने यह मांग की है। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता है विधु रावल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों से तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, ये बीजेपी का अपना मत है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कहती है। दरअसल ये कहा गया है कि लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, 28, 29, 1 और 2, 1 को मतदान होना है, 2 को फिर से छुट्टी है, और ऐसे में उससे पहले विश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम भी है, तो इससे वोटिंग पर इफेक्ट होगा। 100% मतदान टारगेट होता है चुनाव आयोग का, तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है।